चुनावी माहौल तो आए केवल की जिका नेता हर बार आर जाए कि थान कुए पर दस लाख दे सा थान कुए पर बीस लाख दे अबल की बिया ने जूता री माला पेरा सा कोई माई जा रहे जन औलाद ने कितो दुख हुए बीसू ज्यादा माने दुख हो रही है के माणी जी की औकात है मतलब अपने कह सका जठू में चालू हुई पूरा बास आज भी स्थिति आ है ई नेताव रे वजह से और यहाँ हर आदमी को प्राचीन समय में जब चौपाल लगती थी तो हर घर में उसकी सूचना पहुंच जाती थी चौपाल के माध्यम से मूल कोशिश तो आई है कि 1738 रे महीने जी का पूर्व बुढ़िया जी का बचोड़ा है बे के ओठे ओठे ओ बी चीज में लावा बेटो काम तो करे कोनी दो पीस सगो एर लोन लियो 7 लाख को के करे रही बेवा पुरी वेब सीरीज देखने के लिए डाउनलोड करें स्टेज ऐप नमस्कार दोस्तों मैं भागीरथ और आप देख रहे हो जलको बिकानेर जलको बिकानेर पर आप गणो गणो स्वागत है अबार अबार ठीक बास में मायने खड़ा हाँ और आप अडेरा विजुअल है जिका का मैन क्यों विजुअल दिखाने की कोशिश करे अडे एक पुराना कुओ हो तीन सौ साल पुराना कुओ हो भी पहला बहुत ही ज्यादा जर्जर अवस्था और मायने हो एक प्रकार वो खतरोरा खेले तो माया पड़ने रे स्थिति जी की भी बहुत ज्यादा ही और अडेगा मोहल्लेवासी है मिलजुल निर्माण है जिको एकदम कर रहे है अबारे मोहल्लेवासी है अडे मौके माता है बात करांगा और बी कुछ है इन लेर कुए ने नमस्कार भाई साहब मेरा नाम घनश्याम गहलोत है मैं पैसे से शिक्षक हूँ ये 300 साल पुराना जो कुआ था जर्जर अवस्था में था आप देख सकता जर्जर अवस्था रामायण हो तो टेंगरा रहो क्यूँकी आप चौक भी बहुत बड़ो चौक है खाने पार्क भी है तो टाबर टिंगर शाम सुबह शाम खेलने भी आवे है खेलने आते थे जो आप ये अभी एकदम सिर्फ जो फर्श देख रहे हो समतल पहले बीच में एक कुंड टाइप की बनी हुई होती थी बच्चे कूदना और खेलना होता था और वो टूटा हुआ था पूरा पत्थर गिर सकते थे इसलिए इसको तैयार करवाया है और उसका स्वरूप भी वही रखा है जो कुएं का होना चाहिए अभी भी काम चल रहा है और सारा हमारे एडवोकेट साहब के सहयोग से सबके मौलवासी सहयोग से जन सहयोग से ये काम हो रहा है और इसको पूरा एकदम पुनः निर्माण इसका करके और वो स्वरूप पहले जैसा इसको रखेंगे और इसका और कितना सामाजिक उपयोग में हो सकता है सार्वजनिक रूप में कोई वाचनालय के रूप में कोई और चीज़ में ये भी हम देख रहे हैं इसको जन सहयोग से करवा रहे हैं और सबसे बड़ी विंडमना यह है कि इसमें किसी प्रकार का सरकारी धन या जनप्रतिनिधियों का कोई सहयोग नहीं रहा है और अगर इस स्थिति को देख करके अगर जनप्रतिनिधि अगर सजग होते हैं जागरूक होते हैं तो इसका स्वरूप कुछ और ऐतिहासिक बन सकता है और इसका वर्षों तक आने वाले जो बच्चे देखेंगे तीन सौ साल पुराना है इस आपा देख सका तीन सौ साल पुरानी विरासत है एक प्रकार क्या विरासती है तीन सौ साल पुरानी विरासत है इर मैंने एमएलए विधायक पार्षद कोई प्रकार रो भी और ध्यान है जी को केंद्रित क्या होने जी क्या ये तो देखो अपने अपने ये एम एल और विधायक इस क्षेत्र पर और इसी ऐतिहासिक स्थल पर जो है हरिमाम जी का मंदिर है यहाँ सैकड़ों मीटिंगें हुई भी है वो सब कुछ देख के गए हुए हैं पिछले चुनाव में भी उन्होंने अवगत कराया कौन बहन मीटिंग टाइम सब कुछ कराया गया था लेकिन उनकी कोई रुचि नहीं रही है इसमें और यही सबसे बड़ी विडम्बना है और तो क्या कह सकते हैं इसके बारे में अगर वो करते तो आज इसका स्वरूप कुछ तो और और होता है इसका हो सकता है कि अगर उनका सहयोग रहता तो एक अच्छे पर्यटक के रूप में लोग देखने के लिए भी आ सकते थे इनकी ऐतिहासिक छत्रियां देखने लायक थी और आज भी इसका हम वो स्वरूप देना चाहते हैं भाई कि वो लोग देखे आकर के और हमारे बुजुर्ग जो रहते थे उनका कितना परिश्रम था और ये नथुसरबास बसा है उस समय उसे कुएं का निर्माण हुआ था तो बहुत सारे लोग इसी कुएं से पानी पीते थे ये चारों तरफ यही था भी ये बंद पड़ा है हो सकता है कि इसको अगर विभाग चालू करे तो पानी की समस्या भी आसपास के क्षेत्र लोग को मिल जाएगी सरकार का भी काम आसान हो जाएगा विभाग अगर चाहे जनप्रतिनिधि चाहे तो इसको इंजीनियर को दिखा करके विभाग को दिखा करके इसको बोरिंग करा के इसको चालू करवाया जा सकता है अब विभाग कर और जनप्रतिनिधियों पर है कि वो इस आपके द्वारा मीडिया द्वारा कोई अगर खबर पढ़ करके और उनका कोई जमीन जागता है अगर उनके मन में आती है तो बेशक उनका स्वागत है करें ये तो सार्वजनिक काम है आप देख सका मोहल्लेवासी आप मिलजुल कितना दिन सुकाम है जिटे लगभग मेरे ख्याल में एक महीने से चल रहा है और पीछे जो ये ये जर्जर पड़ा है इसको भी ठीक कराने की है छतरियों का भी कोई कलर कुलर है कराने का है चल रहा है काम और हम चाहते हैं भाई किस सभी के सहयोग से मिलता रहेगा और चलाते रहेंगे उसको आप मोहल्ले आ मन किया आज की, की जगह है आ तैयार करनी चाहिए सरबास के लोगों का आत्मिक लगाव था इस कुए से क्योंकि इससे कई पीढ़ियों ने पानी पी करके और बड़े होकर के देश और सरबास का जिले का नाम रोशन किया है और यहाँ से ही पहले पुराने समय में पशुधन होते थे पानी भी यहीं से मिलता था जिनका रोजगार था लोगों का इस वजह से इसको हमारे वकील साहब और इनके मन में सबके मन में आएगी उसको तैयार करवाया जाए पुनर्निर्माण करवाया जाए और आपको मैं बता दूं कि अब तो ये कुआ जर्जर अवस्था में हो गया तब यहाँ गणगौर का मेला जो लगता था वो कम हो गया

जब छोटे थे तब इसी कुएं से पानी भरा जाता था उस समय पानी की बहुत समस्या थी उस समय इसमें आप साइडों से अभी मिट्टी डाली हुई है साइडों में लाइन लाइन से जो है पाइप लगे हुए थे उसमें लोग पानी भरता और अपनी जीविका चलाता तो वो स्थिति है और सबसे बड़ा एक चौक उधर और है अब हमारे यहाँ वहाँ भी आपको देखो कि सद शांति और सद्भाव का अगर एकता का प्रतीक देखो तो सभी जाति के लोग उस होली का दहन एक ही होती थी हमारे इस पूरे क्षेत्र में बाटों का का पूरे में तो बहुत बड़ा चौपाल लगती थी इस कुएं के पास में जब जर्जर अवस्था में नहीं था तो छोटा मोटा सामाजिक निर्णय भी यहाँ बैठ करके आराम से बुजुर्ग लोग लिया करते थे वो स्थिति खत्म हो गई और क्योंकि बैठने की जगह नहीं थी और लोग बैठते नहीं थे और यहाँ बैठ करके भी लोग जो पुराने बुजुर्ग थे वो सुकून महसूस करते थे और यहाँ को प्राचीन समय में जब चौपाल लगती थी तो हर घर में उसकी सूचना पहुंच जाती थी चौपाल के माध्यम से तो और भी आपस आगे मोहल्लेवासी अभी बात करेंगे वकील साहब आपको कहीं कुछ कहना वकील साहब री पीड़ा तो बहुत शब्द में कोनी बयान कर सकूं है मतलब स्टेट टाइम एक वर्ण व्यवस्था कूआन भाव है तैयार को बाकी वर्णव्यवस्था देता कोई माया ने लई रहा नागोर सु सन को कुआ है सन सत्रह सौ अड़तीस मई ने अठेरा नथानिया कूव बे माने पूर्वज ने ले रहा ई कूए शू बाटारो वास विस्नारो मतलब बहुत बड़ी आबादी सु सू वाणी पीती लेकिन पचे आज की राजनीतिक मतलब एक प्रॉपर एक जात ने एक समाज ने आगे ले जा बीकानेर है बीकानेर पक्षे दुर्भाग्य रियो है कि बीकानेर बीकानेरा 20 कुआ लगभग इस अवस्था में खत्म होने रही अवस्था में आगे चुनावी माहौल भी आ रही है चुनावी माहौल तो है आल्कि जी का नेता हर बार आ जाए कि धन कुए पर दस लाख देसा धन कुए पर बीस लाख देसा अबल्कि मिया ने जूता रही माड़ा पेरा सा आ पूरे मोहल्ले तय करोड़ी है क्योंकि माणीजी की ਤੀਪੂਰ ਪੁਰਾਣੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਐਨੀਆਂ ਖਤਮ ਕਰਨੋ ਹੀ ਬਿਆਰੋ ਮੂਲ ਉਦੇਸ਼ ਹੈ ਮੈਂ ਲਗਭਗ 3 ਸਾਲ ਉਮੀਆਂ ਨੇ ਗਿਆਪਨ ਦੇਰੀਆਂ ਕੇ ਮਾਨੀ ਕੁਵੇਰੀ ਸੁਧਲੋ ਮਾਨ ਕੁਓ ਲੇਕਿਨ ਆ ਇਸੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾ ਕੇ ਸੂਈ ਛੁਪਿਓੜੀ ਹੈ ਕੋਣ

इर पर ध्यान केंद्रित तो हुआ तो सामने ठीक सीनियर सेकेंडरी स्कूल है लड़किया की साढ़ी पाँच सौ स्ट्रेंथ है बीहारे भी एक एज ए स्टेज रिस कोई सांस्कृतिक प्रोग्राम हुए छब्बीस जनवरी है पंद्रह अगस्त है बीहारे भी काम आज आवे और माने बार कोई बीस सालों को मेड़ो भरीज तो गणगोर रो

नेताओं और तो कहीं ठानी कहीं कितनी बारे अरे खड़ा क्या, करी, काई, काई करी हो रहा कर दो कर दो करियो ना तो आज इतने टेम सुन करियो अबार भी ध्यान भी केंद्रित तो, ए, तो ए, को नहीं, के देख लो तो भाई कुआ पड़ी अजीत बैनी सर कुआ है रघुनाथ कुआ है चौतीर्ण कुआ है और भी कुआ जटे जटे माली है बड़े बड़े कुआ है और कम सु कम थाने तीस कुआ सत्ताईस कुआ तुम्हारे तो ध्यान में जैका है भे कुआ रहा कहीं है कि कही कोई तरह इतिहास को नहीं है जगमन रो कुआ है एक और कुआ जो को बहुत तीसो देखो देख रहो दे देखो एक थे भी जार देख रहो और शुराम सर में एक कुआ है जिके सो जगमगाट करा रहा क्यों है और तो बढ़िया करा रहा क्यों है बट पैसा गवर्नमेंट का लागू केंद्रित क्यों नहीं हो रही है कोई नहीं हो रही है कुआई को कोई काम बे कुआ बुरी है कोई जर्जर हो रही है और कब्जा कर रही है कुआरे ऊपर कब्जा बना लिया है रह रिया है और आसे पास कुआई जमीन है जिकी दब दब बराबरा बैठ गया ये पास में जो देख रहे हो पानी का होद है ये इस वोद को मोहल्ले वालों से जितने भी लोग हैं उन सब के साथ बैठ करके इसका क्या उपयोग हो सकता है वो आने वाले समय में पता चल जाएगा सभी लोग कहेंगे वैसे योजना में है कि इतना बड़ा हौद है उसको सही करवा करके कोई वाचनालय और डिस्पेंसरी में ले जो सार्वजनिक रूप से सभी लोगों के काम में आवे और इलाज भी मिल जाए लोगों ने और जो पढ़े लिखी नौजवान पीढ़ी है वह एक जगह बैठ कर कॉम्पिटिशन रही तैयारी में वाचनालय में अखबार है कोई जनरल नॉलेज की किताबें हैं प्रतियोगिता दर्पण वगैरह

अगर इतना बड़ा चौक है और अगर स्कूल रो कोई वार्षिक उत्सव हो है, तो मंच के रूप में बहुत बढ़िया ये काम आ सकता है ए, ये इतनी अच्छी पवित्र जगह है इसमें बहुत सी चीज़ें ऐसी है अब जैसे बहुत सारी सरकारी योजना के लोग जो आते हैं ना वो ऐसी जगह बैठ जावे जिकी जगह आम आदमी पहुंच को सके नहीं अगर चार चेयर ले पर अगर कुएं पर बैठे तो एक निश्चित स्थान है और सभी लोग पहुंच रहा अपनी समस्या का समाधान भी हो सके कोई शिविर भी लगा सके इतनी बड़ी है बहुत सारी ऐसी महिलाएं जो है बहुत पुराना आप देखो बरसों से ये पीपल है इसको भी हम तैयार कराएंगे पीपल है को जिको आप आपा आपा देख, देख सका पिम्पल की स्थिति है वह भी खराब हो रही है बिन बिल लेर आप कुछ क्या है। हमने तैयार कराया था देखो पहले इस बार फिर इसको वापस चारों तरफ लगा करके इस कुएँ के साथ साथ इसका भी स्वरूप देखे ताकि कि कुएं का स्वरूप भी अच्छा लगे लोगों को मीडिया वाले इस चीज़ को हमारी बात को जनप्रतिनिधियों तक जिला अधीश कार्यालय तक इस जलदाय विभाग तक उन तमाम समाज सेवियों तक उन बामाशाहओं तक पहुँचाए तो लोग हमारे से जुड़े और इसका बहुत अच्छा एक ऐतिहासिक स्वरूप उभर करके आए और लोग देखेंगे नथुसरबास का कुआ देखने के लिए भीड़ लगे और भी आपा खने एक पार्क देख रहे हैं पार्क की स्थिति है जिसकी भी बहुत ज्यादा खराब है पार्क भी हमने बनाया था पहले खाली जगह बड़ी थी बच्चे खेले कूदे और बुजुर्ग बैठ जाए लेकिन इस पार्क भी जिसकी स्थिति है वो सही नहीं है लाइटें बंद पड़ी है पूरे पार्क में धूप नहीं है और जो टाइलें लगाई थी वो भी उखड़ गई है एक सरकार की तरफ से जितने भी पार्क होते हैं सर, सरकारी क्षेत्र में उसमें एक ना कोई एक आदमी नियुक्त होता है ना तो इसमें कोई पानी सार्वजनिक हमने भी व्यवस्था करी थी सरकारी तरफ से नहीं है और पानी की व्यवस्था तो हमने कर ली लेकिन पाइप नहीं है कोई देने वाले नहीं है देख सका बूढ़ा बुजुर्ग है जिका सुबह शाम बैठे पार्क पारक रहे महीने तो बैठने खातर की भी कोई व्यवस्था है जी नज़र नहीं आ रही है सुबह सुबह जो है बुजुर्ग भ्रमण के हिसाब से पार्क में आते हैं लेकिन बैठने की कोई व्यवस्था इसमें नहीं है कोई भी प्रकार की जन समस्या है तो तुरंत संपर्क कर आगे स्क्रीन पर आपारा नंबर है जी का दिख रहा है डायरेक्ट कॉल करो बीज गया मैं पहुंचने को प्रयास जी को करांगा बहुत बहुत धन्यवाद मेरे के गया कैमरा मैन बलदेव मैं तो और आप देख रहा हजलो बीकानेर झलको बीकानेर पर आप निरंतर प्यार हैजीको ने बनाए रखा और वीडियो ने ज्यादा से ज्यादा संख्या में मैंने शेयर किया धन्यवाद जय हिंद जय भारत